राजगढ़ थाना क्षेत्र में दो रोज पहले हुए दिनदहाड़े छात्र की हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपी आज महाराजगंज थाना परिसर में सरेंडर कर दिया है। पूरी घटना महाराजगंज थाना क्षेत्र के मोहन बाजार स्थित चाय की दुकान के समीप दरौंदा थाना क्षेत्र के रुकुंदीपुर पंचायत के भरसकुंवर टोला निवासी सुधीर कुमार सिंह के 17 वर्षीय पुत्र भानु कुमार सिंह की हत्या कर दी गई थी। भरसकुंवर टोला निवासी सुधीर सिंह का बेटा भानु इंटर का छात्र था। बताया जा रहा है कि दरौंदा थाने की रुकुंदीपुर पंचायत के भरसकुंवर के टोला गांव में सुधीर सिंह का 17 वर्षीय पुत्र भानु कुमार सिंह महाराजगंज शहर के मोहन बाजार में कोचिंग करने के लिए आया हुआ था। कोचिंग से निकलकर भानु कैनरा बैंक के सामने अपने साथियों के साथ चाय पीने चला गया। चाय पीकर भानु घर जाने के लिए बाइक से जो ही आगे बढ़ा, सामने से आए बाइक सवार बदमाशों ने बाइक से टक्कर मार दी और भानु कुछ समझ पाता उससे पहले ही बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद बाइक सवार बदमाश फरार हो गई। भानु को तत्काल साथियों ने रुमांचल अस्पताल लाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महाराजगंज स्थित मोहन बाजार में 4 वर्ष से उनके पिता एयरटेल की एजेंसी चलाते हैं। उन्हें जैसे ही पुत्र की हत्या की सूचना मिली बेहोश होकर गिर पड़े थे। वहीं मां शारदा देवी, दादा लालू बाबू सिंह, दादी मीरा देवी समेत अन्य स्वजनों ने रोने से माहौल गमगीन हो गया। आसपास के ग्रामीण स्वजनों को ढांढस बना रहे थे। इस घटना में शामिल दो मुख्य आरोपी सत्यम और किरण महाराजगंज थाना मुख्यालय में अपने परिजनों के साथ आज सरेंडर कर दिया।